कमाल करती है लड़कियां। इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहां रह गई। लो नाम लिया और आ गई। कहां रह गई थी इतनी देर, बताओ कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, अच्छा था। तो फिर ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बहुत थक गए मम्मी, ऑफिस में बहुत सारा काम था, नए कलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा शो था, और उसी की तैयारी में यहां से वहां भाग दौड़। तो अच्छा है ना, इतनी बढ़िया जगह तुम्हें काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या हुआ, काम में मजा नहीं आ रहा है क्या? कौन सी भाषा समझ में आती है तुम्हें? आई सेट लीव। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि हमारे बॉस बहुत कड़क है। बेटा काम को सीखने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा मौसीमा, सीखने के लिए डिसिप्लिन इज अ मस्ट, और नहीं तो क्या। आई एम सॉरी आंटी जी, ये लड़ाई आपकी है और आप ही को लड़नी होगी। हर वक्त दूसरे की मदद का इंतजार करना ठीक नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी सख्ती सामने वाले को बुरी लग जाए। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बिना कड़क हुए पाठ सिखाया जाए? नहीं बेटा, जो तुम्हें कड़क और सख्त लग रहा है वही तो मार्गदर्शन है जो तुम्हें कर्म करने की सीख देता है, ताकि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। अब एक बात बताओ, बिना कर्म के कोई फल मिल सकता है क्या? नहीं ना। अब महाभारत में ही देख लो, कृष्ण जी अगर चाहते तो वो पांडवों की लड़ाई खुद लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, वो अर्जुन के सारथी बने, और अर्जुन बिना पीछे मुड़े बिना हटे अपने प्रियजन से लड़ाई लड़े, वो भी सत्य के लिए। और फिर कौरवों पर जीत प्राप्त की, है कि नहीं? तो फिर शायद आज मैंने सही किया, दोस्त की लड़ाई लड़ने से मना कर दिया। मना करते वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम्हारा बुरा लगना स्वाभाविक है बेटा, लेकिन तुमने कुछ सोच समझ कर ही मना किया होगा ना। अपने निर्णय पर भरोसा रखो, सब ठीक जाएगा, तुम दोनों के लिए, समझे? आई होप ऐसा ही हो मौसमा। ये क्या रचना, कॉलेज की तैयारी, आज ऑफिस नहीं जाना है? गलती पूरी की पूरी हमारी है, और हम जितनी माफी मांगे कम है। बॉस होने के नाते आप हमें निकाल सकते हैं या जो चाहे सजा दे सकते हैं। वो एक्चुअली हम क्लास अटेंड करने की सोच रहे थे। अच्छा, तो फिर प्लीज मेरे प्रोफेसर से कह देना कि मैं आज कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। कॉलेज क्यों? मुझे छाया के घर जाना है, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या? हमने कह दिया ना छाया, एक बार कॉलेज नहीं जाओगे मतलब बिल्कुल नहीं जाओगे। तो एक बार तुम्हारी जान और इज्जत क्या बच गई, तुम्हें लगता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा? और वो गुंडे तुम्हें ढूंढते हुए वहां पर वापस आ गए तो? माँ, अब उनकी गलतियों की सजा हमें क्यों दे रही है? एक हादसे के लिए हम अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दें? हम कुछ नहीं जानते,
जब तक तुम्हारे पापा घर वापस नहीं आ जाते तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। हमने कह दिया है ना, हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे कि वो तुम्हें एग्जाम देने दें, लेकिन इस वक्त मामला थोड़ा ठंडा होने दो। पापा आप हमारे बिल्कुल नहीं, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, समझे? दीदी आज सुबह सुबह हमारी छत पर कौवा बोल रहा है, देख लीजिएगा कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। हाँ हम देखते अंदर आइए। अरे आइए आइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। देखा दीदी, हमने कहा था ना कि हमारी छत पर कौवा बोल रहा है, तो कोई ना कोई मेहमान जरूर आएगा। आ ही गए। ये क्या बात हुई, मैं कुछ सालों के लिए कनाडा क्या चली गई, आप लोगों ने तो मुझे मेहमान बना दिया। मैं तो आपके घर में से ही हूँ। बिल्कुल, आप हमारी अपनी हैं, लेकिन कौवा ये बात नहीं जानता ना। आइए बैठ। न्योता देने आई हूं अंकिता की शादी का। अंकिता? ये अंकिता कौन है आपके घर में? हमने तो कभी नाम नहीं सुना। वैसे तो वो हमारी कोई लगती नहीं है, लेकिन एक लगाव सा है उस बच्चे के साथ, एक अपनापन सा। ऐसा समझो कि वो हमारी पोती है, बहुत प्यारी बच्ची। अपने भाई बहनों के साथ वसई में रहती है, घर में जिम्मेदारी उठाने वाला कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं, इसीलिए उसकी शादी हम करवा रहे हैं। और आप सभी को अंकिता की शादी में जरूर आना है, मुझे पूरा विश्वास है। आपके आशीर्वाद के कारण अंकिता और नरेन की शादी जरूर कामयाब बनेगी। जी हम जरूर आएंगे। कब है शादी? 2 दिसंबर रात 9 बजे का मुहूर्त है। चलो अच्छा है, इसी बहाने अर्चना ताई और मानव जीजू से भी मिल लेंगे, और अब इस अंकिता से भी मिलने का मन कर रहा है। आप सबने उसे अपना लिया तो इसका मतलब उसमें कोई खास बात जरूर होगी। क्यों? खास बात तो है, पता है ये जो अंकिता है ना, ये बिल्कुल मेरी अर्चना की तरह है, वही नाक नक्श, वही शक्ल सूरत। इसीलिए उसे देखते ही ऐसा लगा कि इस बच्ची के साथ कोई पुराना रिश्ता है। अच्छा, क्या कह रहे हो? अब तो ये चमत्कार खुद आके देखना पड़ेगा। सो तो आना ही है आपको। ये रहा शादी का कार्ड। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत ही प्यारा कार्ड है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वो क्या है ना, और भी जगह निमंत्रण देने हैं, इसीलिए थोड़ी जल्दी में चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, लोगों में एक जागरूकता पैदा करनी है, एक जोश लाना होगा रचना, ताकि फिर कभी छाया जैसी को मना ना करना पड़े। पहले वो खुद अपनी मदद करे तो फिर लोग उसकी मदद करें, जैसे मैं अब करना चाहती हूँ, बाय मेकिंग पीपल अवेयर। कितना गुस्सा आ रहा है, इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, और उस वक्त उसके सामने उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। हद है कायर ताकि। मैंने कॉलेज फोन किया था, कुछ लोगों को बुलाया हमारी मदद करने के लिए, आते ही होंगे। लो आ गए। थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर कमिंग। सबसे पहले ना पोस्टर्स लगाने से शुरू करते हैं।
क्या है ये सब? एक बार कह दिया ना तुम्हें, इन सब चीजों में हम फिर से नहीं पढ़ना चाहते। आंटी जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, भले ही शुरुआत छाया से हुई हो लेकिन हमें पूरे मोहल्ले को जागरूक करना है, अलर्ट करना है। आखिर छाया इस मोहल्ले में पली पड़ी है। तुम सबको अलर्ट करना चाहती हो ना, जरा पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारे लगे हुए पोस्टर कोई पढ़ तक नहीं रहे हैं और कुछ तो दीवारों से उतर तक चुके हैं और कुछ थोड़े बहुत जो बचे हैं ना, कल वो जमादार आएगा ना तो झाड़ू के साथ ले जाएगा। आ जाएगी अलर्टनेस, आ जाएगी जागरूकता। खिड़की बंद करो और अंदर बैठ के भगवान का ध्यान करो। बाहर जो कुछ भी चल रहा है ना, उससे कुछ भी नहीं बदलने वाला है। चलो खिड़की बंद करो। कुंचन, शायद आंटी सही कह रही है। देखो ना कैसे पोस्टर जमीन पे पड़े। रचना, जैसे भी और कैसे भी हमें यह संदेश लोगों तक पहुंचाना ही है। भैया क्या कुछ देर के लिए मुझे आपकी एक थाली और चम्मच मिल सकती है? थैंक यू, चम्मच भी। सुनो, नई पुरानी सुनो सुनो, थी एक रानी लड़की सयानी, बात है एक भाई सुनो सुनो। अरे ये तो कुंजन की आवाज है। तूफानी रात थी, निकली रात को घर से वो रानी, गुनगुनाती अपनी धुन में मस्तानी, ना कोई डर ना कोई परेशानी, इसी मोहल्ले में बीता बचपन जवानी, लेकिन जालिम दुनिया की देखो हैवानी, उसने बिगाड़ी रानी की कहानी। भाई सुनो सुनो, नई पुरानी सुनो सुनो। सुनो सुनो एक बात नई पुरानी, चांद तारे और हवा की जबानी, मैं
आगे साहेबान, इधर रानी थी परेशान। उठा के हिम्मत तीर कमान, रानी दिखती वीर जवान। वो लड़के थे शैतान, लूटना चाहा रानी का सम्मान। रात बन गई थी अनजानी, लड़के करते गए मनमानी। रानी लड़ती रही, ये है उसकी वीर कहानी। बात है एक भाई सुनो सुनो, नई पुरानी भाई सुनो सुनो। अकेली पड़ गई थी वो रानी, बढ़ती गई उसकी परेशानी। समझा आसान था इज्जत बचाना, इसी मोहल्ले में बीता बचपन जवानी। सभी शक्लें थी जानी पहचानी, अचानक क्यों बन गई बेगानी। रानी ने चीखा चिल्लाया, जाओ कोई तो मदद करने के लिए सामने आओ, बस जाओ। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। हर कोई घबराया पर कोई ना सामने आया। बेबस थी पर हारी नहीं, ली हिम्मत की तीर कमान, बचाया अपना आत्मसम्मान। बच के भागी जैसे तैसे, करके लड़कों को अंधे जैसे। पहुंची रानी अपने द्वारे, जिंदगी दिखाती खेल निराले। उसकी आजादी पर पड़ गए ताले, चारों ओर छा गए बादल काले। बात है एक भाई सुनो सुनो, नई पुरानी सुनो सुनो। ये कहानी किसी एक रानी की नहीं बल्कि हम सबकी है। और सिर्फ मोहल्ला ही क्यों, हर जगह डर छिपा रहता है। घर, सड़क, कॉलेज, ऑफिस, बस स्टॉप और यहाँ तक कि एटीएम भी। इसलिए साथियों, अगर आगे बढ़ना है तो अपनी लड़ाई लड़ना जरूरी है। हमारी कहानी की रानी ये है जो बहादुर होते हुए भी बेसहारा बना दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है, एक लड़की है, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, ऑफिस में काम करना चाहती है, इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती है। इसलिए हम और आप मिलकर इस सोसाइटी को, इस मोहल्ले को सुरक्षित या असुरक्षित बनाते हैं। अगर हम अलर्ट हो, सक्षत हो, तो ये सारी वारदातें नहीं होंगी। अगर मोहल्ला सुरक्षित तो देश सुरक्षित।